हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डाई होती है, किस तरह से हम एक्सटर्नल थ्रेड्स होती हैं, जो बाहर की चूड़ियाँ होती हैं, वो जो एक्सटर्नल थ्रेड्स होती हैं उनको किस तरह से कट करते हैं। एक्सटर्नल थ्रेड्स करने के लिए जो टूल हम यूज करते हैं, वो टूल जो होता है वो किस तरह का होता है, क्या मटेरियल होता है, और डाई का जो डाई की मतलब डाई हमें करनी है तो क्या फार्मूला लगाना होगा जिससे हम उसकी शाफ्ट का साइज बना सके जिस पर हमें डाई करनी है। तो ये सभी चीज़ें मैं सारा का कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमें सोशल साइट पर फॉलो करने चाह रहे थे, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बात करते हैं सबसे पहले डाई एंड डाई स्टॉक। डाई और डाई स्टॉक क्या होते हैं, तो आप इस इमेज में यहाँ से देख सकते हैं, ये है हमारा डाई जिससे हम बाहर की चूड़ियाँ को कट करें, यानी एक्सटर्नल थ्रेड्स को कट करते हैं। इसके साथ ये हमारा होता है इसका स्टॉक, जिस टूल में हम इस डाई को होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, उसके बाद फिर वो प्रेशन करते हैं थ्रेडिंग का, तो उसके लिए जो टूल यूज होता है वो होता है हमारा डाई स्टॉक। तो ये दोनों है, एक डाई और डाई स्टॉक। तो यही चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो आगे सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन, जो डेफिनेशन वो इसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो डाई इज अ टाइप ऑफ कटिंग टूल यूज टू कट फॉर एक्सटर्नल थ्रेड्स। इट मीन्स जो डाई है हमारा एक प्रकार का कटिंग टूल है, इसका प्रयोग हम बाहरी चूड़ियाँ यानी बाहरी थ्रेड्स को कट, एक्सटर्नल थ्रेड्स को कट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर हम इंटरनल थ्रेड करनी है तो हम टैप का यूज करते हैं, उसका ड्रिल साइज कैसे निकालता है जो ये सभी पर दोस्तों मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो लिंक मिलेगा आई बटन और डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप उसको भी वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से हम इंटरनल थ्रेड को कट करते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं इसका जो मटेरियल है वो मटेरियल क्या होता है। मटेरियल के बारे में बताऊंगा आपको, जिसका मटेरियल है डाई इज मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील एंड हाई स्पीड स्टील फॉर एंड द डाई स्टॉक इज मेड ऑफ कास्ट आयरन एंड इट्स हैंडल इज माइल्ड स्टील। तो हमारी जो डाई है उसका मटेरियल, जनरली जो हम डाई यूज करते हैं वो हाई स्पीड स्टील की डाई हम यूज करते हैं, लेकिन कुछ डाईज में जो उसका मटेरियल होता है हाई कार्बन स्टील का भी डाई बनी होती है। और इसका स्टॉक होता है, जो डाई का स्टॉक होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है, उसका जो जहाँ पर हम डाई को होल्ड करते हैं, और उसके साथ उसका जो हैंडल होता है वो माइल्ड स्टील का बनाकर साइड में उसमें नर्लिंग की जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम, जो अगला है हमारा वो है टाइप्स ऑफ डाई। टाइप्स ऑफ डाई की बात करें तो वर्क के अकॉर्डिंग यानी कार्य के अकॉर्डिंग हम डाइस को कुछ डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला हमारा राउंड एंड स्प्लिट डाई। राउंड एंड स्प्लिट डाई जो आपको बताना चाहूँगा, ये जो डाई होती है ये कैपिटल लेटर सी के आकार में होती है, और इसमें साइड में दो या तीन सुराख होते हैं जिसमें हम उसको डाई स्टॉक में एडजस्ट करके, क्लैंप करके, या फिर हम इसमें जो थ्रेड्स हैं वो कट कर दिए तो कट कर सकते हैं। इसके बाद होती है हमारी सॉलिड डाई, जिसको हम डाई नट भी बोलते हैं। ये एक बिल्कुल हेक्सागोनल शेप, जैसे हमारा नट होता है ना, कुछ उस शेप में होती है, और इससे भी हम इस तरह से इसको भी कट करके, तो अगर हमें थ्रेड कट करनी है तो इस तरह की डाई भी हम यूज करते हैं। अगली हमारी एडजस्टेबल डाई। एडजस्टेबल डाई क्या होती है, एडजस्टेबल डाई में इसमें क्या होता है, इसमें एडजस्टेबल के लिए इसमें जार्स जो होते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं, एडजस्ट करके और हम फिर इसको भी डिफरेंट डिफरेंट साइज की थ्रेड कट कर सकते हैं एक्सटर्नल। उसके बाद पाइप डाई, आपने देखा होगा पाइपों पे जब हम डाई करते हैं तो एक अलग तरह की हम पाइप डाई का यूज़ करते हैं, और पाइपों पर जो करने की डाई अगर हम एक्स बाहर की चूड़े काटनी है तो उसके लिए फिर हम पाइप डाई का यूज़ करते हैं। अगला है प्लेट एंड प्लेट डाई और डाई प्लेट। प्लेट और डाई एंड डाई प्लेट जो है ये एक स्पेशल तरह की जो डाई होती है वो होती है हमारी, क्योंकि इस डाई में जो क्या होता है, ये डाई इसमें जैसे सुनार वगैरह जो गोल्ड स्मिथ होते हैं ना, उनमें कोई स्पेशल छोटे छोटे ही बाहर की थ्रेड काटने के लिए हम इस तरह की डाई प्लेट यानी डाई प्लेट डाई का यूज करते हैं। इसके बाद हमारी चेजर डाई। चेजर डाई ये भी एक स्पेशल प्रकार की डाई है, इसको भी हम जहाँ आधुनिक प्रोडक्शन ज़्यादा वहाँ पर इस तरह की डाइयों का यूज करते हैं। सेम उसी तरह से एक्रॉन डाई भी, ये भी हमारी प्रोडक्शंस के लिए जहाँ पर हम मशीनों के साथ स्पेशल पर्पज के लिए हम इन तरह की डाइयों का यूज करते हैं। तो ये है हमारी कुछ डाइयों के टाइप्स। इसके बाद बात करते हैं अगला जो है हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इसका, डाई का फार्मूला, जो ही हम आज बात करने वाले थे। तो डाई का जो फार्मूला होता है सेम कि अगर आपको डाई करनी है कोई भी जो कंपोनेंट है उस पर बाहर की चूड़ियाँ काटनी है तो डेफिनेटली उसके साइज़ को बनाना होगा जिस एमएम की डाई करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके शाफ्ट का साइज़, यानी जो हमें शाफ्ट का साइज़ बनाना है वो क्या होना चाहिए। तो उसका जो फार्मूला है डी माइनस
पी अपॉन टेन। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम्स में आ सकता है, आपको कहीं कोई पूछे तो आप इजीली इससे निकाल के बता सकते हैं। सबसे सिंपल फार्मूला है। तो डाई का जो फार्मूला होता है, शाफ्ट साइज इक्वल टू डी माइनस पी अपॉन टेन। इसमें जो डी होता है, डी का मतलब होता है डाई का साइज, जिस साइज की आपको डाई करनी है, और पिच, पी का मतलब होता है इसकी पिच, वो जो डाई करनी है उसमें पिच कितनी होनी चाहिए। तो कोस थ्रेड्स में तो स्टैंडर्ड से होती है, और अगर आपकी स्टैंडर्ड पिच नहीं है या कुछ नहीं है तो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि कितने पिच की डाई है आपके पास, आपको जो करनी है वो कितने पिच होती, किस पिच जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो आपको मेंशन किया जाता है। स्टैंडर्ड्स में स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो मैं आपको भी बता दूंगा। तो सेम इस तरह से, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, तो इस तरह से हमारी ये जो साफ्ट है, इस साफ्ट का साइज बनाना होता है हमें, अगर जितने भी एमएम की डाई करती है। तो किस तरह से करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं जो ये फार्मूला है किस तरह से यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल 12 mm की डाई करने के लिए हमें जो साफ्ट है उसका साइज क्या बनाना होगा, तो सेम वही फार्मूला हम लगाते हैं, साफ साइज डी माइनस पी अपॉन टेन। दोस्तों जो है मैं अभी बोल रहा था आपको, जो जो पिच जो है कोर्स में कुछ स्टैंडर्ड्स होती हैं, 12 mm में 1.75 की पिच का स्टैंडर्ड होता है, ये 0.25 इंक्रीज और 0.25 डिक्रीज होके इस तरह से आगे बढ़ती रहती है। तो कहेंगे तो मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, किस तरह से पिच निकाली जाती है या जो भी चीज़ें हैं, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आप कहेंगे मुझे कमेंट्स कीजिए तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद बात करते हैं, सबसे इसको सॉल्व करते हैं, 12 - p/10। जब हम इसको करेंगे तो इसकी पिच को लगा के सेम कुछ इस तरह से आएगा, 12 - 1.775/10। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, वैसे दूसरे तरीके से भी करते हैं, मैंने सिंपल कर दिया है आपको, तो ये सेम इसको 12 में से हमें 0.175 माइनस करना होगा, तो आपका ये जो 11.825 mm, ये आपकी ये जो साफ्ट है, इस साफ्ट का साइज निकल के आ गया। अगर आपके पास ये जो डाई है, ये 12 mm की डाई लगानी है, तो सेम कभी भी 12 mm साइज रखकर हम डाई नहीं करेंगे। डाई अगर आप 12 mm करके करोगे तो ये जो डाई है इस पर फिक्स नहीं होगी, और ये जो है यहाँ पर हमें, यहाँ पर ऊपर हम डाई करने से पहले हमें चैम्फर लगा लेना होता है, नहीं तो डाई हमारी फिट नहीं होगी। तो हमें इस तरह से इतना साइज 12 में से कम करना होगा, तब हम डाई कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से एक और फार्मूला हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ही अगर हमें 10 mm की डाई है, 10 mm की अगर हमें करनी है डाई करनी है, तो साफ का साइज क्या होगा, सेम उसी तरह से हम 10 mm में जो पिच होती है वो होती है 1.50, सेम मैंने बताया था 0.25 इंक्रीज करती है, 10, 12, 10, 12, 14, 8, 6, 4, 3 इस तरह से इंक्रीज करती है। जो जैसे मान लीजिए 5 mm है, तो जो 4 mm में पिच होती है वही 5 mm होगी, जो 6 mm में होगी वही 7 mm में होगी, तो इस तरह से 0.25 करके इंक्रीज होती है। 10 mm में जो पिच होती है वो 1.50 होती है। सेम उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 - 1.50/10, जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे 10 - 0.15, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा आएगा इसका 9.85 mm, यानी 9.85 mm हमें साफ्ट का साइज, यानी ये जो साफ्ट अगर हमें 10 mm की डाई करनी है, तो ये जो साइज है वो 9.85 का हमें रखना होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, छोटी डाई का, एक 6 mm की डाई लेते हैं हम। 6 mm की डाई के लिए हमें जो साफ्ट का साइज है वो निकालना होगा। तो 6 mm में जैसे पिच है वो होती है हमारी 1.00, ठीक है। तो 1.00 की पिच के हिसाब से अगर हम सॉल्व करें तो आप इसको पूरा कन्वर्ट करेंगे तो 6 - 0.1, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा इस साफ्ट का साइज 5.9 mm, हमें साफ्ट का साइज रखना होगा अगर हमें ये थ्रेड कट करनी है, बाहर की चूड़ियाँ इस साफ पर कट करनी है। चूड़िया को कट करते समय हमें यहाँ पर इस चैम्फर लगा लेना चाहिए, जब हम इसको रोटेट करते हैं तो बिल्कुल 90 डिग्री पर हमें घुमाकर, क्लॉकवाइज घुमाकर, थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज, फिर थोड़ा क्लॉकवाइज, फिर थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से मूव करना चाहिए। दोस्तों आगे आने वाले दिनों में मैं इस पर एक प्रैक्टिकल भी वीडियो बना के दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली मैं आपको नट लगा के दिखाऊंगा सेम इसी तरह से फार्मूले लगा के, और फिर करके भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली किस तरह से ये हम प्रैक्टिकली थ्रेड को कट करते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं डाई स्टॉक, यानी जो डाई का जो स्टॉक होता है हमारे, जैसे आप देख सकते हैं इस डाई के स्टॉक को हम किस तरह से यूज करते हैं। यह है एक माइल्ड स्टील, यानी कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील कास्ट आयरन, यानी इसमें साइड में माइल्ड स्टील के हैंडल्स होते हैं, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के बना हुआ एक औजार है जिसमें हम डाई को होल्ड करते हैं, यानी डाई को
पकड़ते हैं, पकड़कर फिर हम एक्सटर्नल थ्रेड्स को कट करते हैं। इसके लिए डाई के जो इसके डाई स्टॉक के टाइप्स होते हैं, वो पहला होता है हमारा स्प्लिट डाई स्टॉक और एडजस्टेबल डाई स्टॉक। तो ये हमारे होते हैं डाई स्टॉक जिसमें हम डाई को होल करते हैं। इसके बाद तो ये तो था दोस्तों आज की इस वीडियो में डाई एंड डाई स्टॉक के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका क्वेरी है, कोई कमेंट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।